आदरणीय मूवी लवर्स, इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप कहानी जानोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म की जिसका नाम है ब्यूटी इनसाइड। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है जिन नाम के एक लड़के की, जो कि रोज सुबह जब सोकर के उठता है तो उसका होलिया पूरी तरह से चेंज हो जाता है। कभी वो कोई बूढ़ा आदमी, कभी कोई बूढ़ी औरत, कभी कोई दूसरा लड़का, तो कभी कोई लड़की बन जाता है, और कभी कभी तो वो कोई फॉरेनर बन जाता है, और उसके साथ साथ उसे फॉरेन की लैंग्वेज भी आने लगती है जो कि उसने कभी सीखी भी नहीं, और इसके साथ साथ उसकी आई साइट और जूते का साइज भी बदल जाता है, जिसकी वजह से उसे हर तरह के चश्मे, हर साइज के जूते और हर तरह के कपड़े रखने पड़ते हैं। जिन एक कारपेंटर होता है जो कि फर्नीचर के डिजाइन खुद ही बनाता और बेचता है, वो इस बीमारी की वजह से ऑनलाइन ही काम करता है। उसके इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ उसकी मॉम और उसका दोस्त सैंग जानता है। सैंग भी फर्नीचर का ही काम करता है, जिनकी बॉडी चेंजिंग की शुरुआत 18 साल की उम्र से हुई थी। जब वो एक दिन सोकर के उठता है और अपने आप को शीशे में देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसका चेहरा और बॉडी पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और दौड़ते हुए रोते रोते अपनी मम्मी को इस बारे में बताता है। ये देखकर उसकी मम्मी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मगर इस बात पर यकीन आने के बाद उसकी मम्मी बड़ी तसल्ली से उसको शांत कराती है। इस बीमारी की वजह से उसे अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। जहाँ बाकी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, वहीं जिन अपनी इस बीमारी में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जब एक दिन सैंग उससे मिलने आता है, तब एक मिडिल एज वीमन दरवाजा खोलती है। जब उसे पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि जिन है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछता है जिनका जवाब सिर्फ जिन ही जानता था। सवालों के जवाब मिलने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वही जिन है। पहले वो उसके बारे में सोचकर काफी दुखी और हैरान हो जाता है, मगर फिर बाद में उसको देखकर हंसने लगता है। इसके बाद सैंग रोजाना जिन से मिलने आया करता है। एक दिन जिन एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है। उसे देखकर उसका फ्रेंड सैंग मजाक मजाक में उसे छेड़ने भी लगता है। एक दिन सैंग जिन को बताता है कि उसके फर्नीचर के डिजाइन कोई कंपनी कॉपी कर रही है। ये सुनकर जिनके मन में आइडिया आता है कि वो दोनों अब खुद की फर्नीचर कंपनी खोलेंगे, जिसका नाम वो ALX रखेंगे। अब वो दोनों खुद की फर्नीचर कंपनी खोल लेते हैं, जिसमें जिन डिजाइनिंग का और उसका फ्रेंड सैंग सेल्स का काम करता है। एक दिन जिन एक दूसरी फर्नीचर शॉप पर जाता है, जहाँ पर वो नॉब्स को देख रहा होता है। उसी दौरान वहाँ काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम सू होता है, वो उसके पास आकर पूछती है कि आपको क्या चाहिए। इस बात पर रिप्लाई करते हुए जिन कहता है कि मुझे एक ऐसी चेयर चाहिए जिस पर बैठकर मुझे ऐसा लगे कि मैं घोड़े पर बैठा हूँ। इसके बाद सू उसे ALX कंपनी की वेबसाइट दिखाती है और कहती है कि सर, यहाँ पर आपको आपकी मनचाही चीज मिल जाएगी। वो उसे उसी की कंपनी की वेबसाइट दिखा रही होती है। जिन उसे पूछता है कि क्या दूसरे की बनाई हुई चीज की तारीफ करना और फ्री में प्रमोशन करना अलाउड है। ये बात सुनकर सू हंसने लगती है। उस दिन के बाद से जिन रोजाना अलग अलग रूप में उस शॉप पर जाता है और सू से बातचीत करता है, और अलग अलग रूप के चलते सू उसे पहचान भी नहीं पाती। एक दिन जब जिन बहुत ही अच्छे लड़के के रूप में होता है, तब वो सू से उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन सू साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद जिन उसे कहता है कि देखो, तुमसे ये बात पूछने के लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। उसकी सिंसियरिटी को देखकर सू उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद जिन रेस्टोरेंट से खाना परचेज करके सू को उसके साथ एक फैक्ट्री में चलने के लिए कहती है, मगर सू इस बात पर डर करके मना कर देती है। इसके बाद जिन उसे अपने सेक्रेटरी का नंबर दिखाता है और कहता है कि देखो, अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुम इस नंबर पर कॉल कर लेना। इसके बाद वो दोनों फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, पर वहाँ जाने के बाद सू को पता चल जाता है कि ये ALX फर्नीचर्स की फैक्ट्री है। वो दोनों आपस में डिनर करते हैं और फिर उसके बाद सू उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या काम करते हो। इस बात पर रिप्लाई करते हुए जिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर फर्नीचर डिजाइनिंग का काम करता हूँ। तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं। इसके बाद जिन सू को घर पर ड्रॉप कर देता है। इसके बाद ये दोनों अगले दिन दोबारा से मिलने का प्लान बनाते हैं, मगर यहीं पर जिन के लिए एक मुसीबत आ जाती है। अगर वो सो गया तो उसका रूप फिर से बदल जाएगा, जिसकी वजह से वो सू से नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो पूरी रात भर जागता है, जिससे कि उसका रूप ना बदले, और अगले दिन वो सू से मिलने जाता है, जिसके बाद ये दोनों धीरे धीरे काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जिन को काफी ज्यादा नींद आ रही होती है, क्योंकि वो काफी दिनों से सोया नहीं होता, और इसलिए जब वो बस में होता है तब उसे अचानक से नींद आ जाती है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो एक मिडिल एज आदमी बन गया है। इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो स्टेशन पर सू को देखता है, जो कि उसी का इंतजार कर रही होती है,
मगर उसका रूप बदल जाने की वजह से वो उससे मिलने नहीं जाता। सू उसे कॉल भी करती है मगर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इसके बाद सू उसे मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो। इसके बाद जिन ये डिसाइड कर लेता है कि वो सू को अपनी सारी सच्चाई बता देगा। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो वो एक लड़की बन जाता है। वो सू के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं जिनके बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो उसे सारी सच्चाई बता देता है मगर सू इसकी बात पर यकीन नहीं करती। इसके बाद वो उसे अपने कुछ वीडियोस दिखाता है। दोस्तों, जिन रोजाना अपने नए रूप का वीडियो बना करके अपने लैपटॉप में सेव करता था, और ये सारे वीडियोस को देखने के बाद सू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। काफी दिन बीत जाने के बाद भी सू जिन को नहीं भुला पाती, इसलिए वो एक दिन जिन से मिलने के लिए उसके पास जाती है। उस दिन जिन एक मिडिल एज लेडी बना होता है। वो जिन से कहती है कि मैं तुम्हें खुद से रूप बदलता हुआ देखना चाहती हूँ, इसलिए आज रात मैं तुम्हारे कमरे में रुकूंगी। अगले दिन जब सू उठती है तो वो देखती है कि जिन अब एक हैंडसम लड़का बन चुका है। ये देखकर सू को उस पर यकीन हो जाता है। अब जिन काफी खुश होता है कि सू उसकी सच्चाई जाने के बाद भी उसके साथ है। ये दोनों अब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। एक दिन सू जिन की गर्दन पर एक टैटू बनवा देती है जिससे कि वो उसे पहचान सके। अब एक रात सू और जिन को एक पार्टी में जाना होता है, मगर जिन वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाता क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत बन चुका होता है। पार्टी में सब लोग सू के नए बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रहे होते हैं। वो सब लोग उससे मिलना चाहते हैं। इधर जिन दोबारा सोने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसे नींद नहीं आती। उधर पार्टी में सू उसका इंतजार कर रही होती है, तभी पीछे से एक हैंडसम लड़का आकर के उसका हाथ पकड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे जिन उसका हाथ पकड़ा करता था। ये देखकर सू एकदम से समझ जाती है कि वही जिन है। जिन इस वक्त काफी हैंडसम लड़के के रूप में होता है और उसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश और हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जिन एक लड़की बना होता है और वो सू को अपनी माँ से मिलवाता है। उसकी माँ ये देखकर काफी खुश होती है कि सब कुछ जाने के बाद भी सू उसके बेटे के साथ है। अब जिन सू से शादी करना चाहता है, इसलिए वो उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग बनवाता है। वो सू को शादी के लिए पूछता है मगर सू उसकी बात का रिप्लाई नहीं करती। जब जिन उसे घर छोड़ने जा रहा होता है तब वो उसे दोबारा से शादी के बारे में पूछता है। इस बार सू उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जिसका कोई एक रूप नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम जरा खुद ही सोचो कि आखिर मैं अपने पेरेंट्स को क्या कहूंगी कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो आज लड़का है तो कल लड़की, कल अंकल है तो परसों आंटी। इसी दौरान उसे काफी ज्यादा डिप्रेशन फील होने लगता है, इसीलिए वो अपनी टेंशन पिल्स लेती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। यहाँ पर जिनको पता चलता है कि उसके बार बार रूप बदलने की वजह से सू काफी ज्यादा परेशान रहती थी, जिसके वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद जिन अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके फादर को भी सेम यही बीमारी थी। उनका भी रोजाना रूप बदल जाता था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान और डिप्रेशन में रहती थी। वो उन्हें इस हालत में नहीं देख सकते थे, इसलिए वो एक दिन उन्हें छोड़कर चले गए। इसके बाद जिन फैसला करता है कि वो भी सू को छोड़ देगा ताकि वो हमेशा के लिए ठीक रहे। फिर वो सू को मिलने के लिए बुलाता है और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले जिन ने सू को एक चेयर बना करके दी थी। सू जब घर पहुंचकर उस चेयर को देखती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जिन की याद में रोने लगती है। अब 10 महीने गुजर चुके हैं और सू नॉर्मल हो चुकी है। एक दिन सू की बॉस उसे कुछ फर्नीचर्स के डिजाइंस दिखाती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। सू उन सारे डिजाइंस को देखकर समझ जाती है कि वो और किसी के नहीं बल्कि जिन के बनाए हुए डिजाइंस हैं। उसकी बॉस उसे कहती है कि तुम्हें ये सारे डिजाइंस बनवा करके लाने होंगे। अब रात को सू जब अपने घर पर होती है तो उसे फिर से जिन की याद आने लगती है। वो समझ जाती है कि वो कहीं न कहीं अभी भी उससे प्यार करती है, इसीलिए वो उससे मिलने का फैसला करती है। अब हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि जिक रिपब्लिक में डिजाइनर के तौर पर काम कर रहा होता है। वहाँ पर उससे मिलने के लिए सू आती है। सू जब जिन के बारे में कहती है तो साफ साफ मना कर देता है कि यहाँ पर इस नाम का कोई भी नहीं रहता। इसके बाद सू उसे कहती है कि क्या आप मुझे अपने फर्नीचर के डिजाइन दिखा सकते हो। उस आदमी के घर में घुसकर उसके डिजाइन को देखकर और उसके तरह तरह के कपड़ों को देखकर सू समझ जाती है कि वही जिन है। वो उसके हाथों पे हाथ रख के कहती है कि अब मैं जान चुकी हूँ कि तुम ही जिन हो, इसलिए अब तुम मेरे साथ वापस चलो। लेकिन जिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, अगर मैंने तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दिया तो तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। सू जिन से कहती है कि उस बीमारी से ये ज्यादा दर्दनाक लाइफ है जो मैं तुम्हारे बिना जी रही हूँ। वो उससे माफी मांगती है और फिर ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर सू उसे कहती है कि पहले मैं खुद को तुम्हारे लिए कन्विंस नहीं कर पाई, लेकिन तुमसे काफी दूर रहने के बाद मुझे पता चला कि मुझे तुम्हारी सूरत से नहीं बल्कि सीरत से प्यार है। अब सू उसे खुद शादी के लिए प्रपोज करती है। इसके बाद जिन अपनी जेब से वही अंगूठी निकालता है जो उसने पहले सू के लिए बनवाई थी और उसे पहनाते हुए उसे शादी के लिए हाँ कर देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।